हेलो गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे अपने YouTube चैनल के नाम की ब्रांडिंग या फिर Google, YouTube जो कुछ भी चाहें उसकी नाम की ब्रांडिंग आप अपने फेवरेट शर्ट या फिर टी शर्ट या फिर आप कह लीजिए गंजी, बनियान, अंडरवियर या फिर आप जहां सोते हैं वहां के पिलोज पे या फिर बेडशीट पे या फिर कर्टन्स पे घर बैठे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और ये पॉसिबल है कैसे, मैंने अभी भी बनाया है, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। आपको जरूरत पड़ेगा इस आयरन का, बस सिंपल इस आयरन से, किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाने की जरूरत नहीं है। और इस पेपर्स की, एक्चुअली ये पेपर इस तरीके से आता है, ये इस टाइप से आता है, ये 250 रुपये में 5 पेपर्स आते हैं। ये बेसिकली है आपका टी शर्ट ट्रांसफर इंक जेट पेपर, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिलते हैं इस तरीके के कुछ पेपर्स और इंस्ट्रक्शंस। 250 रुपए में 5 आते हैं और एक का कीमत है 50 रुपए। आप ज्यादा बड़ा वाला पैक ऑर्डर मत कीजिएगा, छोटा वाला ही कर लीजिएगा। और इसके ऊपर आपको अपने चैनल का नाम या फिर जो कुछ भी लोगो चाहिए उसका नाम प्रिंट करा लीजिए इंक जेट प्रिंटर से, याद रखिएगा। और वो भी वो ड्रम वाला इंकजेट प्रिंटर, नहीं कि आप वो कार्ट्रिज वाला इंकजेट प्रिंटर यूज मत कीजिएगा, ड्रम वाले से इंकजेट से प्रिंट करा लीजिएगा इसके ऊपर। और सबसे पहले ये एक आयरन आपके पास होना चाहिए, है ना, इस तरीके का। और ये मैंने प्रिंट करा लिए हैं अलग अलग पेजेस पे। ये देखिए आप जो है वो उल्टा है, एक्चुअली फ्लिप्ड है। अगर आप मिरर नहीं करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, माई स्मार्ट सपोर्ट का, गूगल का। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, यूट्यूब, गूगल, और मेरे पास बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, टी शर्ट, गंजी, बनियान, सब चीज़ हैं, आप देख लीजिए। और इन सभी पे मैं आप प्रिंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे यूट्यूब प्रिंट करूँगा, इसे ये यूट्यूब वाला, इस पर प्रिंट करूँगा वाइट वाले पे, अच्छा दिखेगा। और ये ब्लैक वाला ब्लैक के साथ अच्छा दिखेगा, तो इसे मैं यहाँ पे करूँगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे गर्म करना होगा पूरा फुल हाई टेम्परेचर पे, जो मैक्सिमम इसका टेम्परेचर है। और उसके बाद इसे हम रखेंगे ऐसे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जहाँ भी आपको चिपकाना है ऐसे रख लीजिए। और इसे मैं रखूँगा यहाँ पे, ओके। और अब आयरन करने, इसे गर्म करता हूँ मैं और गर्म करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये आयरन बिल्कुल गर्म है और हम इसे अब प्रिंट करने जा रहे हैं, ओके। ये 20 सेकंड तक करना है, आप मैनुअल में पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं देखता हूं अब। लेकिन 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 एक मिनट गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जब कभी भी आप पहली बार ट्राई करेंगे तो आप अपने फेवरेट या फिर महंगे किसी नए शर्ट पे ट्राई मत कीजिए। प्लीज़ एक बार कम से कम पुराने किसी शर्ट पे ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो ये हाल होगा। मैंने भी पहली बार जब पहला प्रिंट दिया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कैसा गर्म करना है, तो इस वजह से ये आधा घी ट्रांसफ़र हो पाया था, इस वजह से तो ये दिक्कत हो गया मेरे साथ। दूसरा जो किया था तो दूसरा वाला इस पर किया था और इस पर लगभग ठीक हुआ था, कुछ गलत ज़्यादा नहीं हुआ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट ओके। और जो तीसरा किया ये फर्स्ट क्लास है। इसके बाद अभी मैं करूँगा बाकी के, एक माई स्मार्ट सपोर्ट का और ये गूगल का, अलग अलग टी शर्ट्स पे। तो अब आपको थोड़ा ध्यान यही चीज़ देना है कि आप टेम्परेचर जो है वो
कम से कम 400 सेल्सियस मतलब हाईएस्ट में रखिएगा, और उसके बाद आपको जो प्रेस करना है थोड़ा वजन डालिएगा अपने शरीर का, और कम से कम 20 सेकंड तक उसको आप घुमाते रहिएगा, तब जाके अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो उसी तरह से हो जाएगा। हालांकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे पता है कि पहली बार जब आप करेंगे या दूसरी बार तो कुछ ना कुछ गलती होगा ही और कपड़े बर्बाद होंगे, इसलिए पुराने कपड़े पर हमेशा ट्राई कीजिएगा। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।